घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुम अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। दीनदयाल शर्मा, अब माँ और बाबूजी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, घर का बंटवारा हो चुका है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है।
फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाते हैं, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी, पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी, आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। यह सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएँ भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है,
जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है। यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है, उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है, जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है। यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है।
यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है, जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में न आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाते हैं, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर
के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया। यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया। यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा।
संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी
और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है, जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है। यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्ट मास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्ट मास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है, उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएँ भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है, जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है। यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी
जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतूमेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है, उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है, जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है,
जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे
अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया। यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में न आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाते हैं, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया। यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली
के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है।
उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है, उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। यह सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है, जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा
से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है। उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है।
उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया। यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाते हैं, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया। यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा,
तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है।
इन सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है, उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह
एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाते हैं, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है, उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। यह सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है, जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है।
इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाते हैं, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है, इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है।
विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी, पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में न आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाते हैं, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी, पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी।
यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएँ भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश,
जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है, उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। यह सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएँ भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है, जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आए थे।
शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है, जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में न आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और
तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए। और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया। यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में न आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाते हैं, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए। और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया। यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका
इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी कि पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है। उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है।
इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर, उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाते हैं, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी, पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा। इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है, उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो और कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है।
रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाते हैं जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नजर आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है क्योंकि
वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार को बताए बिना ही अपने पिता के घर यानी मायके चली जाती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शिव उसे वापस लाने जाता है, लेकिन बीच में उनके कई बार झगड़ा होता है और चीज़ें फिर से सुधरने के बजाय बिगड़ने शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और तरफ उमा अब गर्भवती है और उसके भी अपने माँ के घर अब चले जाना चाहिए, और कुछ महीने के बाद वह बच्चे के साथ वापस भी आती है। उसकी अनुपस्थिति में दिखाया जाता है रजनी की पीटर और ससुर के साथ काफ़ी तूतू मेमे पर बहस होती है। छोटे छोटे बात पर रजनी उनसे बहस करती है। रजनी घर के कोई भी काम में हाथ ना लगाने की भी कसम खाती है। एक दिन वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और अपने ससुराल को छोड़कर घर लौट आती है। विजय अपनी माँ से परिवार को अपना हिस्सा देने के लिए शिकायत तक कर रहा है, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार विस्तार करने जा रहा है। अब वह आगे अपने पिता को पैसे नहीं दे पाएगा और उसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसके पिता ने लापरवाही से इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि विजय से कम कमाई के बावजूद शिव समान राशि का योगदान फिर भी कर रहा है, उसका इस घर परिवार पर काफ़ी उपकार है। आज मैं आपको संसार इस मूवी की कहानी और संसार मूवी से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। संसार एक भारतीय मूवी थी और संसार मूवी को हिंदी भाषा में बनाया गया था। इसकी कहानी एक पारिवारिक ड्रामा थी। पारिवारिक से जुड़ी हुई कहानी आपको देखने में मज़ा आएगा, इस तरह की इस फिल्म की कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म 1987 में जारी हुई और जारी होने के उपरांत इसे सफलता भी मिली थी। यह फिल्म टी रामाराव के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इसकी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह फिल्म की कहानी एक फैमिली के ऊपर और एक पोस्टमास्टर के जरिए शुरू होती है। फिल्म एक पोस्टमास्टर के परिवार और उथल पुथल के बीच आधारित होती है। फिल्म बच्चों और उनके माता पिता के बीच के अहंकार के टकराव के कारण परिवार के बीच किस तरह से दरार पैदा हो रही है उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। इस परिवार में पिता दीनदयाल और उसकी पत्नी गोदावरी, उसके बड़े बेटे जिसका नाम विजय एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी का नाम उमा है, दूसरे बेटे का नाम शिव है। ये सभी भूमिकाओं को देखा जाए तो उमा रेखा होगी और तो कई सारी अन्य भूमिकाएं भी इसमें नज़र आती है। दूसरे बेटे का नाम शिव बताया गया है जो एक कार मैकेनिकल है। सबसे छोटा बेटा का नाम विद्यासागर है, हरीश, जिसके नाम का अर्थ है ज्ञान का सागर। वह स्कूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि वह स्कूल में कुछ खास पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता, फिर भी वह कोशिश करता है। उसकी बेटी जहाँ पर उसका नाम रजनी है, जो एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार को थोड़ा बहुत हाथ बार लगाती है, जिसका नाम असल जिंदगी में अर्चना है। रजनी अपनी शादी के संभावित उम्मीदवार को अस्वीकार कर देती है और घोषणा करती है कि वह एक ईसाई लड़की जिसका नाम है पीटर उससे शादी करना चाहती है, यानी कि वह एक लड़के से मिलने से भी इनकार कर देती है और उससे शादी के लिए भी पूरी तरह से असहमत है, जो उसके परिवार द्वारा देखा गया था। वह अपने लिए खुद लड़का ढूंढने के लिए भी जो है कहती है और किसी को इसके बीच में ना आने के लिए बोलती है। बताया जाता है कि पीटर जो उसके ही ऑफिस में काम करता है, हालांकि दूल्हे के परिवार सामने नहीं आते हैं। शिव अपनी बेटी बसंती के लिए स्वीकार करता है। अपने परिवार के मित्रों के बावजूद रजनी के पास अब अपना रास्ता है और माता पिता की अनिच्छा से उसी लड़के के परिवार से मिलने के लिए भी वह सहमत हो जाती है, जो एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार निकलता है। यही वजह थी कि अब परिवार पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वह परिवार भी एक अच्छा परिवार था। दूसरी तरफ बसंती विद्यासागर को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि विद्या पर समर्पित समय के कारण यह उसके वैवाहिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे वह अपने पिता और पति के परिवार